अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। आज हम अपना पहला असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे आपको टीच कर रहे हैं। अब तक हमने आपको बुक्स और कॉपीज दी हैं, बुक्स दी हैं जिसके अंदर हमने आपको वर्किंग दी थी। आई होप सो कि आप लोगों ने वो कर। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्चुअली पेरेंट्स के लिए, वॉन्सी जूनियर और सीनियर की हम जितनी भी वीडियोज असाइनमेंट के नाम से अपलोड कर रहे हैं वो एक्चुअल पेरेंट्स के लिए है, ताकि उनको पता चले कि स्कूल में हम बच्चों को किस तरीके पढ़ाते हैं और उन्होंने किस तरीके से, ताकि जब बच्चा हमारे पास रिटर्न आए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और हम उसको आगे मजीद तेजी के साथ आगे हम अपनी स्टडी को लेके चल सकें। हर हफ्ते आप लोगों को दो कॉपीज दी जाएंगी जिसके अंदर पूरे हफ्ते का काम मैनेज होगा। आपने हमारे वीडियो के थ्रू बच्चे को बिल्कुल वैसे प्रॉपर काम करवाना है जैसे कि हम करवाना है। साउंड आज की जो हमारी वीडियो है वो है साउंड्स की। फर्स्ट असाइनमेंट है जा रहा है हमारा क्लास मॉन्टेसरी जूनियर, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम सबसे पहले साउंड से स्टार्ट करेंगे। मॉन्ट में बच्चे ने साउंड पढ़ा है और यहाँ पे हम अगेन उसको जो है मजीद परफेक्शन के लिए हम उसको साउंड स्टार्ट कर रहे हैं। राइट साउंड ए टू ए, यानी अभी हम सिर्फ फाइव साउंड्स आप लोगों को दे रहे हैं जो कि कॉपीज में मैनेज है। फोर पेजेस पे हमने इसको मैनेज किया हुआ है और आपकी हेल्प के लिए, एक्चुअल साउंड्स के लिए हमने कॉपीज में ऊपर उर्दू में भी वो साउंड्स लिखे हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप उर्दू में जो लिखे हुए साउंड्स हैं उनकी आवाज से, उनके साउंड से जो है आप उसको, उससे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब आते हैं हम हाउ टू राइट। अब इसे लिखना कैसे है, सबसे डिफिकल्ट होता है हमारे स्मॉल, यानी कि जो जिसे हम लोग स्मॉल अल्फाबेट्स भी कहते हैं, साउंड्स भी कहा जाता है, ठीक है, उनको लिखना बच्चे के लिए अकॉर्डिंग, क्योंकि अब बच्चा जूनियर में आ गया है, अब हम उसको कोई डॉट नहीं देंगे, कोई ट्रेसिंग नहीं होगी। सबसे पहले हमारा फर्स्ट साउंड है ए, दिस इज ए। कर्व लाइन एंड ज्वाइन द स्ट्रेट लाइन, ए। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए ऑलवेज कम बिटवीन टू लाइंस, ए ऑलवेज कम between two lines. After a, there is b. There is b. Make a straight line and then curved line. B. B for balloon. B for banana. We cap some sasa denge. B for balloon. B for banana. B always come upper three lines. ऊपर की तीन लाइनों के अंदर हमारा ब है। ब, व्हाट कम्स आफ्टर ब, दैट इज क। क, क ऑलवेज कम बिटवीन टू लाइंस, क फॉर कैट, क फॉर कप, क ए ब क, व्हाट कम्स आफ्टर क। द, make a curved line and then straight line. D, D always come in upper three lines. Upper three line. D for duck, D for dog. D, A, B, K, D, and in the last, A. First, make a straight line in the middle of the two line and then join the curved line. This is F. F for elephant. F for elephant. F for elephant. F for R. A, B, K, D, A. ये फाइव काउंट हमने कॉपी के अंदर मैनेज कर दिए हैं। अब आपने इन फाइव साउंड्स को जो है फोर टाइम्स कॉपी में करवाना है। कोशिश करें, हमने बच्चे की कम से कम हेल्प करनी है,
और ज्यादा से ज्यादा जो है उससे इसकी प्रैक्टिस करवानी है। इसके बाद हमारी एक वर्कशीट है और वो वर्कशीट है राइट द बिगनिंग साउंड। इसके अंदर हम कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे, कैपिटल नहीं करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट एलिफेंट है, एलिफेंट कम फ्रॉम एल, तो हम स्मॉल में ही सारा काम करवाएंगे। ये आपने बच्चे को आप साउंड पूछते रहिए और उससे लिखवाते रहिए। कोशिश करें कि कोई डॉट नहीं डाले और बच्चे को बार बार रिपीट करवाएं कि ए कम इन बिटवीन टू लाइन, ब कम अपर थ्री लाइन, क कम बिटवीन टू लाइन। इससे इसे कम से कम बच्चा जो है वो खुद से राइटिंग करना शुरू कर दे। तो ये हमारा इंग्लिश की वर्डिंग है। अब अगर इसके इससे भी अगर आपकी नहीं समझ में आता तो मॉन्टेसरी सीनियर का फर्स्ट असाइनमेंट या फर्स्ट लेक्चर जो है वो आप कर सकती हैं, जिसमें हमने पूरा ए टू जी जो है साउंड दिया गया, वो भी आपको हेल्पफुल आपके काम के लिए या बच्चे को समझाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड कॉपी, क्योंकि हफ्ते में आपको दो कॉपीज जो है वो दी जाएंगी। फर्स्ट के अंदर हमने इंग्लिश का असाइनमेंट आपको दिया, अब सेकंड है हमारी मैथ की। मैथ के अंदर हम सबसे पहले करेंगे अपनी काउंटिंग, राइट काउंटिंग 1 to 30। कॉपी में बिल्कुल इसी तरीके से हमने मैनेज की है। अब आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपने बच्चे को जो है इसका काम करवाना है। दिस इज यूनिट, यू मीन्स यूनिट, यूनिट मीन वन, यूनिट मीन इकाई। यूनिट कहते हैं वन को, कोई किसी भी चीज का कि एक इकाई, एक जूस, वो हमारा यूनिट है। बेसिकली जो नंबर्स हैं वो है 9, 1 to 9। 1 to 9 जो है वो हमारे यूनिट्स कहलाते हैं। 1 यूनिट, अगर 2 यूनिट्स होंगे तो वो 2 कहलाएगा, अगर 3 यूनिट्स होंगे तो वो 3 कहलाएगा, 4 यूनिट्स मिलके 4 बनाते हैं। तो इससे कि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाती है यूनिट्स की, इस तरीके से हमारे नंबर्स जो हैं वो आते जाते हैं। बेसिकली 1 to 9 बेसिक नंबर हमारे हैं 1 to 9। 9 के बाद जैसे ही सेकंड हमारा डिजिट आ जाता है, जैसे 10, 0 और 1, तो वहां से वो हमारा कैटेगरी जो है वो हमारी चेंज हो जाती है। अब हमने बच्चे को काम कैसे करवाना है, यूनिट के नीचे आएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9। ये हमारे 9 यूनिट्स हैं। 9 के बाद हमारी कैटेगरी चेंज होगी, और क्योंकि अब हमारे पास मजीद अब क्या आएगा, हमारे पास 0 जो है वो हमारे 9 के नीचे आएगा और 10 की लाइन में हमारा आ जाएगा 1। ये कहते हैं, इनको कहते हैं हम 10। ये हमारी 10 की कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है, यूनिट 1 to 9। और जैसे ही 2 डिजिट की तरफ हम आएंगे, 2 नंबर्स की तरफ आएंगे, तो ये हमारे टेंस में आ जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10। हम इसको रेकग्नाइजेशन के साथ पढ़ाएंगे, 1, 0, 10। ये पहले बच्चा 1 बोलेगा, फिर 0 बोलेगा, तो 10। अब हमारे 10 की कैटेगरी से हम आगे की तरफ जाएंगे, अब आगे हमारा 1, 1, 11, 1, 2, 12। फर्स्ट वी विल प्रोनाउंस द 1 एंड देन द जो भी हमारा डिजिट है, हमारा जो भी हमारा यूनिट है हम उसको बोलेंगे, ठीक है। 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 19 के बाद फिर हमारी कैटेगरी चेंज होगी, तो 9 के नीचे हमारा आएगा 0 और यहां पे आ जाएगा हमारा 2, 20। अब हमारे टेंस कितने हो गए, ये 20। अब 20 की ही हमारी कैटेगरी आगे बढ़ेगी, तो हमारा आ जाएगा 10 के नीचे आएगा 2 और यूनिट के नीचे आएगा 1।
रट्टा लगवाना हमारा मकसद नहीं है,
हमारा एक्चुअल मकसद यह है कि बच्चे को इतनी अच्छी काउंटिंग आनी चाहिए कि वो जहां से भी आप उसे कहें तो वो आराम से जो है वो आपका आंसर कर सके। पूरी कॉपी मैंने जो ये है तो व्हाट कम्स आफ्टर, आफ्टर बाद में। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वर्कशीट लगी हुई है यहाँ पे, काउंट एंड राइट। पिक्चर्स दी गई हैं, उन पिक्चर्स को आपने काउंट करना है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट पिक्चर है हमारी ट्रेन, आपने बच्चे से काउंट करवाना है और सामने जैसे हमारे पास 1 2 3 3 हमारी ट्रेन्स बनी है, आपने आगे 3 लिखवाना। तो ये है हमारा फर्स्ट असाइनमेंट फॉर द मॉन्टेसरी जूनियर। आज हमने दो असाइनमेंट आपको दिए, फर्स्ट इंग्लिश का और सेकंड मैथ का। बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉपी दे के बिठाना नहीं है बल्कि अपने सामने वर्किंग करवाना है उसको, क्योंकि इससे एक ये फायदा होगा कि बच्चे को कम वर्क के अंदर सही से काम करने का एक तरीके वो हैबिचुअल हो जाएगा। ठीक है, नाउ थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।